नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने आज विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। उन्होंने अघोर आश्रम, बेरिया मोड़, रेड माँ ठाकुरबाड़ी, दुर्गावाड़ी, बेलवाटिका, गुरुद्वारा, जीएलए कॉलेज आदि स्थानों पर विभिन्न पूजा समितियों एवं संघों द्वारा स्थापित पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन को लेकर पूजा समिति के सदस्यों को निर्देश दिए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि जीएलए कॉलेज के समीप स्थापित पूजा पंडाल में तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे थे। इसके लिए उनके सदस्यों को चेतावनी देते हुए डीजे को तत्काल बंद करा दिया गया। उन्होंने कहा कि पंडालों के आसपास मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, वहीं अत्यधिक भीड़ नहीं होने देने को लेकर पूजा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया। साथ ही कोविड गाइडलाइन के अनुरूप उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। इधर दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में कोविड से बचाव को लेकर टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई थी, जहां लोगों ने टीकाकरण कराया। एसडीओ एवं सिविल सर्जन ने आम लोगों, श्रद्धालुओं से अपील की है कि पंडाल में स्थित टीकाकरण केंद्र में टीका अवश्य लें। टीका पूरी तरह सुरक्षित है, आज ही नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।